हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिलेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं इस सेट में लिखी गई है। जैसे मैंने कहा रामायण है, रामायण इसमें रख दी। मैंने कहा गीता है, मैंने गीता इसमें लिख दी। मैंने कहा कुरान है, कुरान इसमें लिख दी। मैंने कहा बाइबल है, बाइबल इसमें लिख दी। तो ये सारी बुक्स, ये होली बुक्स ही नहीं है। मैंने मैथ्स की आर डी शर्मा, मैंने कह दिया इसमें बुक अवेलेबल है 12th क्लास के लिए। सारी बुक्स जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो बुक सेट ए में कलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे लिए ये दिखाना है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन गिवन है? गिवन दैट आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें एक बुक है एक्स, एक बुक है वाई, एक बुक है जेड। इस बुक को मैंने ऐसे रामायण गीता ऐसे ना कह करके मैंने कह दिया बुक एक्स है, बुक्स वाई, बुक वाई है, बुक जेड है। ऐसे ही बुक एम है, बुक पी है, बुक आर है। तो ये बुक्स मैंने कह दी, ये बुक्स हैं। तो किस प्रकार से हैं ये रिलेशन? आर में वही बुक्स होंगी जो क्या कर रही होंगी, सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही होंगी। मैंने कह दिया जैसे बुक एक्स है, इसमें पेजेस हैं 100 पेजेस। एक मेरे पास वाई बुक है, इसमें भी मेरे पास 100 पेजेस हैं। तो दोनों बुक सेम पेजेस रख रही हैं। तो ये जो आर रिलेशन है उसमें ये दोनों बुक्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या कर रही होंगी, बिलोंग कर रही होंगी। अब मेरे लिए ये दिखाना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिविटी मुझे शो करना है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने सपोज कर लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। कोई बुक एक्स है जो सेट ए में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। अगर सेट ए में बिलोंग कर रही है तो मुझे ये दिखाना है कि ये एक्स बुक इस यहाँ पर भी ए ही डोमेन भी ए है, को डोमेन भी है, रिलेशन आर है। वही बुक्स रिलेटेड होंगी जो सेम नंबर ऑफ पेजेस रख रही होंगी। तो इस सेट में भी सारी बुक्स लिखी होंगी सेट ए की, इस को डोमेन में भी सारी बुक्स लिखी होंगी सेट ए की। तो कोई बुक स्वयं से रिलेटेड होगी क्योंकि इस बुक में जितने पेजेस हैं इतने ही पेजेस इस बुक में हैं। तो क्या हो गया, सेंस नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक विल बी सेम इफ इट इज टेकन टू टाइम्स। तो देखें एक्स डेट एम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स। दैट इंप्लाइज
x is r related to x, that implies r is a reflexive relation. तो मैंने ये स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर दिया. अब मैं आपके सामने सिमेट्री शो करने जा रहा हूँ. सिमेट्री को शो करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं. ये रफ वर्क है, इसके लिए नहीं उतारना है, इसे आप रफ डाल करके उतार लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी आप क्वेश्चन को देखें इसे तो समझ सकें. रफ वर्क है, रफ वर्क. अब मैं सिमेट्री शो कर रहा हूं. सिमेट्री या सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री रिलेशन एनथिंग में भी डिटेल देखें. मैंने लेट एक्स और वाई दो बुक ली जो बिलोंग कर रही है ए में. किस प्रकार से बिलोंग कर रही है? सच डैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में. जब मैंने ये ट्रू मान लिया तो मतलब ये हुआ कि बुक एक्स में जितने पेजेस हैं उतने ही बुक वाई में पेजेस हैं. यहां देखें मैं समझाता हूं आपके लिए. इस डोमेन ए में सारी बुक्स लिखी जाएंगी इस सेट की, इस डोमेन ए में भी सारी बुक्स या कोडोमेन सॉरी स्टूडेंट में सारी बुक्स लिखी जाएंगी सेट ए की. अब मैंने कोई बुक एक्स ली और ये मैंने करेक्ट मान लिया, ये ट्रू है, ये बाई से आर रिलेशन के तहत रिलेटेड है. आर रिलेशन क्या है? बुक एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस एज बुक वाई हैज. तो मैंने पास में जब ये बुक के पेजेस इस बुक के पेजेस के बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई में और एक्स में भी पेजेस बराबर होंगे. तो देखें सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज Number of pages of book X is equal to number of pages of book Y. अब यहाँ देखें students, number of pages of book X is equal to number of pages of book Y. अब मैं इस को सेट को इधर लिख रहा हूँ, number of pages ऑफ बुक बाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक एक्स. जब मैंने ये दिखा दिया तो बाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर में. मैंने क्या लिया था? सिंस x कॉमा वाई बिलोंग कराया था r में और मैंने ये शो करके दिखा दिया कि y कॉमा x भी r में बिलोंग कर रहा है. therefore r is a symmetric relation. तो मैंने जो रिलेशन r गिवन है वो मैंने symmetric भी प्रूव कर दिया. अब मैं ट्रांजिटिविटी को शो करूँगा. तो ट्रांजिटिविटी देखें बहुत ही इजी है शो करना. ट्रांजिटिविटी के लिए मैं कैसे शो कर रहा हूँ देखें. ट्रांजिटिविटी लेट एक्स वाई एंड जेड जो बुक्स हैं वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं. किस प्रकार से बिलोंग कर रही है? सच डेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में. मतलब
जितने पेजेस एक्स में है उतने पेजेस वाई में है, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो मतलब ये हुआ वाई में जितने पेजेस हैं उतने ही जेड में पेजेस हैं। तो देखें तो मुझे क्या शो करना है, वी आर टू शो दैट, शो दैट ये बुक जितने पेजेस रख रही है और ये बुक जितने पेजेस रख रही है वो सेम होंगे और ये बिलोंग करेंगे आर में। ये मेरे को शो कर देखना है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बुक एक्स में जितने पेजेस है उतने ही बुक जेड में पेजेस है, इसलिए ये आर में बिलोंग करेंगे। सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, डेट एम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई, एंड देखें वाई कॉमा जेड, वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, दैट एम्प्लाइज नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड। देखें एक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई में पेज हैं, ये बुक एक्स है, इसमें जितने पेज हैं एक बुक वाई है, इसमें भी उतने ही पेज हैं, पेजेस बराबर हैं, और एक बुक जेड है, इस बुक जेड में जितने पेज हैं उतने ही वाई में पेजेस हैं। तो क्या बुक एक्स में जितने पेजेस हैं वो बुक जेड के पेजेस के बराबर नहीं है, वो भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड, दैट एम्प्लाइज जब एक्स बुक में बुक जेड के नंबर ऑफ पेजेस के बराबर पेजेस हैं तो एक्स कॉमा जेड जो बुक होगी से बना हुआ ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करेगा आर में। सिंस एक्स कॉमा वाई बिलोंग कराया था मैंने आर में, वाई कॉमा जेड बिलोंग कराया था मैंने आर में, और स्टूडेंट्स मैंने ये शो करके दिखा दिया कि एक्स कॉमा जेड जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग कर रहा है आर में, हेंस देयरफॉर आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैंने यहाँ पर रिलेशन जो आर है उस आर को रिफ्लेक्सिव प्रूव करके दिखा दिया, सिमेट्रिक प्रूव करके दिखा दिया और ट्रांजिटिव प्रूव करके दिखा। तो ये तीनों रिलेशन मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका कि ये ट्रू हैं, रिलेशन जो आर है उसमें होल्ड कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ये रिलेशन जो आर गिवन है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो किस तरीके से लिख देंगे देखें स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, आर सिमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर विल बी इज आर इज ना लिख करके एल एम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने आर रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखा दिया। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन क्या रहा होगा समझ में आया होगा आपके, और
अगर कम समझ में आया तो प्लीज़ बार 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 इस वीडियो को देखें, ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और सारे क्वेश्चंस में मैं लैंग्वेजेस सेम रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेजेस यूज की जा रही है यू विल हैव टू लर्न इट, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लर्न कर लें। देखिए मैंने सेम लैंग्वेजेज ही रखी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो लैंग्वेज को बदलने में। मैं चाहता था हर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता था। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।